हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज मैं स्प्रिंगफील्ड कैंपस में हूँ। आज मेरी शिफ्ट है थर्सडे, एवरी थर्सडे 10 to 2, ओनली 4 आवर्स, बिकॉज अभी 24 आवर्स वर्क रिस्ट्रिक्शन चालू हो चुके हैं 1 जुलाई से। आप सभी को पता ही है। तो मैं 4 कलाक यूनि में जॉब करता हूँ, 4 आवर्स एट यूनिवर्सिटी एंड 20 आवर्स एट सबवे। स्टार्टेड अ न्यू जॉब एट अ सबवे सेलर पार्क, सो आई विल मेक वीडियो फॉर दैट वन एज वेल। तो अभी हमारे पास 2 टास्क है। फर्स्ट तो 2 ऑफलाइन कंप्यूटर चेक करने हैं, और उसके बाद एक लैब का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ एज आई सी टी क्लाइंट सर्विस में। तो अभी एक कंप्यूटर मैंने चालू कर दिया, अभी दूसरी दूसरी जगह पे जाएंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है उस कंप्यूटर में। तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। सो वी आर एट लेक्चर थिएटर एंड आई एम डूइंग अ पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन settings because they have facing some issue. So post configuration हो चुका है, अभी हम इस PC को करेंगे refresh and then back to the office. This is my desk. So, मैं अभी आया हूँ एक लेक्चर कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम लेक्चर कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपडेट करूँगा ग्रुप पॉलिसी, देन ड्राइवर एंड देन सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस मैनेजर अपडेट। सो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है, इट विल टेक अ हाफ एन आवर। देन इसके बाद मुझे जाना है एक लेक्चर थिएटर में एक स्टाफ को असिस्ट करने के लिए कि कैसे लेक्चर थिएटर काम करता है, क्योंकि उनको नहीं पता है। तो ये ख़त्म करने के बाद अभी वहाँ पर जाऊँगा। और अगर आपको ऐसे डेली व्लॉग वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल मेक एवरी डे व्लॉग, नॉट एवरी डे बट लाइक इन अ वीक 2 or 3 वीडियो आई विल पोस्ट इट ऑन द यूट्यूब। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे इस बार के कॉन्ट्रैक्ट में 150 आवर्स मिले पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो मुझे वीकली अराउंड 4 आवर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जॉब मिलती है। सो मैं यहाँ पे एट यूनिवर्सिटी में स्प्रिंगफील्ड कैंपस में 4 घंटे जॉब करता हूँ एवरी थर्सडे, और बाकी के 20 घंटे जॉब मैं करता हूँ सबवे में। सो मैं अभी फ़िलहाल 2 जॉब करता हूँ, ओनली 24 आवर्स, बिकॉज अभी वर्क रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। सो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि 24 आवर्स से काम करो वीकली, और फोर्टनाइटली 48 आवर्स, बिकॉज अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। मैंने काफ़ी फेसबुक वगैरह पे देखा है कि काफ़ी लोगों को डिपोर्ट कर दिया, जिन लोगों ने आफ्टर 1 जुलाई के बाद काफ़ी काम किया है, लाइक मोर देन 48 आवर्स काम किया है फोर्टनाइटली, तो उनको डिपोर्ट किया है। ये सच है कि झूठ है आई डोंट नो, बट मैंने फेसबुक पे जो काफ़ी ग्रुप्स है ब्रिस्बेन के, मैंने वहाँ पे पोस्ट देखी है कि काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। तो बेटर यही है कि आप लोग अभी काम ना करें ज़्यादा, अभी आपकी मेन प्रायोरिटी है स्टडी, तो वो स्टडी ख़त्म कर ले, उसके बाद आपको फुल टाइम वर्क करने को मिलेगा ही। जैसे मैं हूँ, मैं भी 24 आवर से काम करता हूँ। आई नो फीस पे करनी है, रेंट वगैरह हो गया, मोबाइल बिल्स, खाने पीने का खर्चा, ये सब। बट गाइस हम लोग पहले पढ़ने ही आए थे, तो पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर जितना काम मर्जी हो कर सकते हो अपन। बट अभी एक गलती की वजह से हमें डिपोर्ट कर देंगे अपने कंट्री में वापस, फिर आप कभी भी ना यहाँ पे वापस नहीं आ पाओगे। सो इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, देन उसके बाद आफ्टर स्टडी के बाद आप फुल टाइम काम कर ही सकते हो। सो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। तो हमारी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, मैं आ गया हूँ घर पे। अभी हम बनाएंगे हमारे लिए चाय। Thank you.
बस 5 या 10 मिनट में चाय बन जाएगी और फिर हम बाहर बैठे बैठे मस्त चाय पियेंगे अकेले सुकून से। यहाँ पे अच्छी चाय बनाने का एक नुस्खा जो सभी लोगों को पता ही होगा जो लोग चाय रेगुलर पीते होंगे कि चाय को अच्छे से उबालो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। काम मत करो, एक गलती आपको अपने होम करने भी जा सकती है, तो मेक श्योर करना कि आप 48 आवर्स फोर्टनाइटली से ज़्यादा काम ना करो। और सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।